कसौटी जिंदगी की। प्रेरणा करती है अनुराग को कॉल ये बताने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ है। क्या प्रेरणा अनुराग को कॉल कर पाएगी और कैसे मिलता है उसे फ़ोन? चलिए बताते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ। आज आप देखेंगे प्रेरणा गुंडों से छुपने की कोशिश करती है, वो उस गुंडे को ज़ख्मी कर चुकी होती है। कल के एपिसोड में आपने देखा कि प्रेरणा गुंडे को ज़ख्मी कर चुकी होती है और वो छुपने की कोशिश करती है। एक दूसरा गुंडा जो प्रेरणा को ढूंढ रहा होता है बहुत कोशिश करता है, पर प्रेरणा अपने आप को बचा कर उस जगह से जहाँ उसे किडनैप किया था वहाँ से भाग निकलती है। जंगलों में अपने बच्चे को संभाले किसी तरह वो भाग रही है। और वहीं दूसरी तरफ अनुराग और विराज भी इसी जंगल में है, वो भी प्रेरणा को ढूंढ रहे हैं और वो गुंडे भी अब पीछे पड़ चुके हैं प्रेरणा के। यहाँ प्रेरणा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और बहुत डरी हुई है। साथ ही अनुराग और विराज भी इस जंगल में आते हैं और वो देखते हैं कुछ लोग यहाँ पे भाग रहे हैं। वो उन लोगों तक पहुँचते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पहले तो विराज और अनुराग को ये लगा कि यही वो गुंडे तो नहीं है। फिर वो लोग बताते हैं हम लोग पास के गाँव में रहते हैं, यहाँ पर एक बाघ आया था जो कि हमारे जानवरों को खा जाता है, हम लोग उसे मारने आए थे। वो लोग अनुराग और विराज से पूछते हैं कि आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं। ऐसे में विराज बात को बदल देता है और कहता है हम शायद रास्ता भटक गए हैं। यहाँ अनुराग बहुत निराश हो जाता है, उसे लगा था अब तो प्रेरणा मिल जाएगी पर प्रेरणा नहीं मिलती। प्रेरणा अपने आप को कैसे भी बचा के यहाँ से भागती है। आप देखेंगे जंगल के बीच में एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन दिखेगा जो आपको, जो हमारे सीरियल में ना सबसे ज़्यादा दिखता है। प्रेरणा एक पेड़ के पीछे छुपी है और दूर से गुंडे उसके आंचल को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये प्रेरणा इस पेड़ के पीछे छुपी है। और वो लोग जैसे ही प्रेरणा की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले एक बड़ा सा सांप दिखता है। ये सांप पूरा फिल्मी दिखेगा, ग्राफिक से तैयार किया गया है ये सांप, लेकिन बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा ये बहुत ज़्यादा ही आर्टिफिशियल है। तो ये जो आर्टिफिशियल सांप है जो हमें आपको ओरिजिनल दिखाया गया है, ये आकर गुंडों के सामने फन करके खड़ा हो जाता है। वो गुंडे डर जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाती है प्रेरणा और वो वहाँ से निकल पड़ती है। प्रेरणा यहाँ से निकल के एक गाँव में पहुँच जाती है, वो सभी का दरवाज़ा खटखटाती है और इस तरह थक जाती है, इतनी परेशान हो जाती है, उसे दर्द भी हो रहा होता है। वो एक दरवाजे को खटखटा के वहाँ पर बैठ जाती है और बेहोश हो जाती है। ऐसे में जैसे ही वो एक लेडी वहाँ पर दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है सामने प्रेरणा पड़ी है और वो प्रेग्नेंट है। वो उसे जानती तो नहीं पर उसे उठा के अपने घर में लाती है। उसके हस्बैंड पूछते हैं कि ये कौन है। ऐसे में वो लेडी पूछती है कि ये एक माँ है, अपने बच्चे को किसी तरह बचा के यहाँ पर आई है, ऐसा लग रहा है कि कोई इसके पीछे पड़ा है और मेरा दरवाज़ा खटखटाया है, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है इसे संभालना। वो उसे लेटाती है, उसे जड़ी बूटी देती है और प्रेरणा को होश आता है। और वहीं दूसरी तरफ बासुवाड़ी में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं शिवानी आती है और सबकी नज़रें शिवानी पर की प्रेरणा मिली, पर शिवानी रोती रहती है। उसकी आंखों के आंसू देखकर सबको समझ में आ जाता है कि प्रेरणा नहीं मिली। यहाँ पर माता रानी का लगातार जाप कर रही है प्रेरणा की माँ, यानी वीना लगातार माता रानी का जाप कर रही है, क्योंकि उन्होंने माता रानी के सामने कसम खाई है कि वो ये जाप तब तक करेंगी जब तक प्रेरणा सही सलामत उनके सामने नहीं आ जाती। और वो लगातार घंटियाँ बजाए जा रही हैं और मंत्र जपे जा रही हैं। शिवानी भी आती है माता रानी के सामने, हाथ जोड़ती है और कहती है माँ मेरी प्रियो दीदी को सही सलामत पहुँचा दो, मैं आपके सारे व्रत रखूँगी, कुछ नहीं खाऊंगी, बहुत अच्छे से पूजा करूँगी। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान को मना रहा है। इतने में यहाँ आप देखेंगे कि मोहिनी ऊपर से नीचे आएगी और वो वीना पर बहुत ही गंदे तरीके से चिल्लाने की कोशिश करेगी। उसे वो घंटियाँ बहुत इरिटेट कर रही हैं, उसे प्रेरणा से प्यार तो है नहीं और ऐसे में प्रेरणा की किडनैपिंग हो गई है, प्रेरणा इतनी परेशानी में है, वो प्रेग्नेंट है, ये बातें भी मोहिनी को कोई मैटर नहीं करती। वो यहाँ पर वीना पर चिल्लाती है कि ये घंटियाँ बंद करो, ये ओवर एक्टिंग बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। मोलाय को बहुत गुस्सा आता है, मोलाय मोहिनी का हाथ पकड़कर सीधे ऊपर उसके कमरे में ले जाते हैं और यहाँ मोहिनी को मोलाय इतनी बातें सुनाते हैं और ऐसी धमकी देते हैं कि मोहिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सीरियसली मोहिनी के साथ यही होना चाहिए। यहाँ पर मोलाय कहते हैं अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला, मोलाय कहते हैं मुझे पता है तुम बहुत ही बदतमीज़ और इरिटेटिंग लेडी हो, भले ही तुम ऐसे हो लेकिन कभी इंसानियत के नाते अच्छा बनने का ड्रामा तो कर सकती हो। मोहिनी लगातार मोलाय को देखती रहती है कि मोलाय ऐसा कह क्या रहा है। तभी मिस्टर मोलाय बोलते हैं अगर तुमने प्रेरणा को परेशान करना नहीं छोड़ा, उसकी फ्रेंड राजेश की फैमिली को परेशान करना नहीं छोड़ा और ऐसे ही बर्ताव रखा तो वो अनुराग को सब कुछ सच बता देंगे। ओ माई गॉड,
मिस्टर मुलाय जैसे ये कहते हैं मोहिनी के होश उड़ जाते हैं। मोहिनी इसी बात को तो बचा रही है, वो नहीं चाहती कि अनुराग को सच का पता चले। इससे दो बातें हैं, पहला अगर अनुराग को सच का पता चला तो अनुराग अपनी ज़िंदगी से सोनालिका को निकाल देगा और वापस प्रेरणा को लेकर आएगा, जो कि मोहिनी बिल्कुल नहीं चाहती। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि डॉक्टर ने अनुराग को पिछला सब कुछ याद दिलाने को मना किया है, उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर मोहिनी बासु से मिस्टर मुलाय से पूछती हैं कि क्या उन्हें अपने बेटे की जान की फिक्र नहीं है। ऐसे में मिस्टर मुलाय कहते हैं कि तुम्हें प्रेरणा की जान की फिक्र नहीं है, अगर तुमने ये किया तो मैं भी यही करूँगा। तुम जैसे प्रेरणा को परेशान करोगे मैं उतना ही अनुराग को परेशान करूँगा, और अगर तुमने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी तो मैं अनुराग को सब कुछ सच बता दूँगा। आज के एपिसोड में आप देखेंगे ये सीन सबसे अच्छा लगेगा, हम सभी को अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा मिस्टर बासु को ये बातें ही नहीं कहनी चाहिए थी, एक ज़ोर का थप्पड़ भी जड़ना चाहिए था मोहिनी को। खैर उधर आप देखेंगे प्रेरणा को वो लेडी ने औषधि दी है और प्रेरणा को होश आता है, और इधर जहाँ पर प्रेरणा को किडनैप किया गया था वहाँ पहुँच जाती है सोनालिका। सोनालिका इस वक्त इतनी खुश है और इतनी इतनी उड़ रही है, उसे लग रहा है कि प्रेरणा को लोगों ने जान से मार दिया होगा, उसके रास्ते का कांटा हट गया है और अब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनालिका यहाँ पर पहुँचती है और वो गुंडों से पूछती है कहाँ है प्रेरणा की लाश, यानी उसकी डेड बॉडी वो देखना चाहती है। बहुत सवाल करती है और सामने देखती है गुंडों के सर नीचे होते हैं। वो पूछती है और वो बताते हैं वो उससे बच के भाग निकली। सोनालिका एक जोर का चाटा देती है और बहुत परेशान हो जाती है। सोनालिका फिर से सोचती है ये प्रेरणा की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, हर बार उसका साथ कैसे दे सकती है, कितनी बार वो उसे मारने की कोशिश कर चुकी है पर प्रेरणा को आज तक कुछ नहीं हुआ। और एक बार फिर से प्रेरणा बच निकली है। सोनालिका कहती है अब वो रिस्क नहीं लेगी, अब वो खुद ढूंढ के प्रेरणा को मारेगी, और वो गुंडों को भी बोलती है कि वो भी साथ में चलेगी, उसे प्रेरणा को ढूंढना है और उसे मार डालना है। इधर अनुराग पूरे जंगल में ढूंढने के बाद निराश और हताश होकर वापस आ जाता है और वह विराज को उसके घर के सामने छोड़कर अपने घर की तरफ निकलता है। विराज को लगता है कि अनुराग अपने घर जा रहा है। विराज उतरता है अनुराग की गाड़ी से लेकिन वो अपने घर नहीं जाता, वो गाड़ी लेकर निकल पड़ता है प्रेरणा को ढूंढने। उसे लगता है अनुराग बहुत थक गया है, वो घर पे जा रहा है और मेरी जिम्मेदारी है प्रेरणा को ढूंढना। लेकिन हम आपको बता दें अनुराग घर नहीं जा रहा है, वो विराज को छोड़ के फिर से निकल पड़ता है प्रेरणा को ढूंढने, क्योंकि उसने कसम खाई है वीना आंटी से, प्रेरणा की माँ से, कि जब तक वो प्रेरणा को सही सलामत घर नहीं लाएगा वो वापस घर नहीं आएगा। अनुराग यहाँ जा रहा होता है और रास्ते में प्रेरणा और अपनी सारी खूबसूरत यादें याद करता है, कैसे प्रेरणा उसे प्रपोज करी थी, कैसे प्रेरणा ने उसे आई लव यू कहा था, कैसे प्रेरणा ने कहा था कि ये क्यूटी पाए तुम्हारे पास रहना चाहता है, यानी अपने आने वाले बच्चे के लिए। बहुत सारी बातें करता है और बहुत सारी बातें सोचता है। ऐसे में अनुराग उस फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसके साथ वो खूबसूरत पल बीते थे। यहाँ बीच में उसे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि प्रेरणा ने जो बातें कही थी वो शायद उसके लिए कही थी, पर फिर वो अपना दिमाग झटकता है, उसे लगता है अभी तो उसकी ज़िंदगी में विराज है। यहाँ जहाँ इस घर में प्रेरणा है, ये गांव में है और ये एक वैद्य हैं, जो लेडी वैद्य हैं उनके यहाँ पहुँचती है और वो उसे औषधि देती हैं, प्रेरणा को होश आता है। वो प्रेरणा उन लोगों से कहती है कि उसे फ़ोन दे दें, उसे अपने पति को कॉल करना है। इसके बाद आपको आने वाले एपिसोड में वही प्रोमो दिखाया जाएगा जो पिछले 3 दिनों से दिखाया जा रहा है, कि प्रेरणा ऊंचाई पर है, सोनालिका उसके सामने बंदूक ताने खड़ी है और उसे धक्का दे दिया जाता है, अनुराग पहुंचता है उसे बचाने। ये पिछले 3 दिन से एपिसोड आप देख रहे हैं। आज के एपिसोड में ये क्लू जो छोड़ दिया जाएगा, प्रेरणा अनुराग को फ़ोन करेगी, हो सकता है प्रेरणा अनुराग को कॉल करके अपनी जगह बता दे, ये बता दे कि वो कहाँ है। प्रेरणा अनुराग को कॉल करके वो बता देती है कि वो कहाँ है, लेकिन अनुराग के पहुँचने से पहले यहाँ गुंडे पहुँचाएंगे और वो प्रेरणा को सोनालिका भी प्रेरणा को मारने की पूरी कोशिश करेगी और शायद लास्ट में वो पहाड़ी वाला सीन होगा। अब क्या अनुराग प्रेरणा तक पहुँच पाता है? क्या सबसे ख़ास बात यह है कि क्या प्रेरणा अनुराग को कॉल कर पाती है? क्योंकि ये गाँव है, यहाँ पर फ़ोन है या नहीं, नेटवर्क है या नहीं, इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो क्या होता है प्रेरणा की ज़िंदगी में आगे? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।